अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद एसक्यू। आज हम लोग बनाएंगे आलू चिड़वा। आलू चिड़वे के लिए इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, एक 4 पोटैटोस पील करके रखे हुए मैंने, पानी में रखे हुए, ये तो वो काले हो जाएंगे। और जिसमें मैं ग्रेट करूँगी उसमें भी पानी डाल के ग्रेट करेंगे, क्योंकि उससे उसका स्टार्च पूरा निकल जाएगा। इस पर रख के हम लोग ग्रेट करेंगे। जो बाउल में मैं ग्रेट कर रही हूँ उसमें भी पानी है, ये देखिए, इसे लेके इस तरह से हम लोग ग्रेट कर लेंगे। इसके लिए हम लोग ले रहे हैं एक छोटे कप में 2 स्पून ऑफ मूंगफली, और ये है फ्लेवर के लिए करी पत्ते 1/4, ग्रीन चिली, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। पहले हम लोग इसे पहले इस पोटैटो को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद से सब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए ग्रेट कर रही हूँ मैं, इस तरह से आएंगे इसके लच्छे। इसको डाल लेना है, कितना स्टार्च है देखिए इस पानी में। ये पानी को हम लोग ये पोटैटोस को 5-6 टाइम्स वॉश कर लेंगे, ताकि इसका सारा ऐसा स्टार्च चले जाए। देखिए हमने पोटैटोस को ग्रेट कर लिया है पानी में, और इसका स्टार्च देखिए कितना स्टार्च है इसके अंदर। अभी हम लोग ये सारा स्टार्च निकालेंगे, इसी तरह से धोएंगे 2-3 टाइम्स 3-4 टाइम्स धो लीजिए, जितना हो सके, जितना पूरा सा कंप्लीट स्टार्च निकाल लेते, अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये पानी में और ये पानी में कितना डिफरेंस है देखिए। चलिए ये पानी को हम लोग हटा देंगे, इसमें फिर दूसरा सा फ्रेश पानी लेंगे। ये छोटी छोटे स्नैक्स है, ये क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ है, जल्दी बन जाते हैं। फिर इसमें भी हम लोग पानी लेंगे, इसमें भी पानी लेंगे, इसे भी ऐसे धोते हुए निकालिए, इसमें से थोड़ा सा ऐसा मसलते हुए निकालिए। ये देखिए इसी तरह से और 1-2 टाइम्स कर लेंगे हम लोग, तो ये पानी साफ़ हो जाएगा, इसका स्टार्च बिल्कुल निकल जाएगा। इसका स्टार्च बिल्कुल निकल जाने से इसके जो लच्छे हैं आलू के, ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। देखिए 5-6 वाटर्स में करने के बाद से ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है पानी। अभी हम इसे निथार लेंगे पानी को और फ्राई कर लेंगे। चलिए ऑन करते हैं गैस, उस पर रखते हैं कढ़ाई, लेते हैं तेल तलने के लिए। इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया मैंने, आलू के लच्छों को स्ट्रेनर में डाल के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, ये भी कढ़ाई में डाल देंगे। चलिए ये डाल देंगे, तेल अच्छे से गरम हो गया है। देखिए पकना शुरू हो गए, इसे अच्छे से हॉट ऑयल में डालना है। देखिए क्रिस्प होना शुरू हो गए हैं ये, इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है हमें, इसके बाद से हम लोग ये निकाल लेंगे। हमसे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं ये, इसका कलर भी ब्यूटीफुल सा आ गया है। ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं ये, देखिए इस तरह से, इस तरह से करके इसे निकाल लेना है। किसी टिश्यू पेपर पे या किचन टेबल पे निकाल लीजिए ये। तेल में हम लोग इसे भी कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे मूंगफली को। देखिए किस तरह से ये क्रिस्पी हो गए हैं, देखिए ये देखिए इस तरह से इसे फ्राई कर लेना है। अभी इसमें ये तली हुई मूंगफली जो है उसे भी अच्छे से थोड़ा सा लाल कर लेते हैं, लाल करके उसमें ऐड कर लेंगे। देखिए फली भी इस तरह से अच्छी सी हो गई है, इसे भी निकाल के इसमें ऐड कर लेंगे, डाल लेंगे। ये जो ग्रीन चिली रखे थे हम लोग इसे भी फ्राई कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, और जो करी पत्ते रखे थे उसे भी फ्राई कर लेंगे करेंगे।
इसे भी अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लिया है हमने। अब ये सारों को एक मिक्स दे लेंगे। गैस को बंद कर लेते हैं। इसी में फ्लेवर्स के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर से आप लाल मिर्च नहीं खाना चाहते तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अभी इसे सारों को अच्छे से एक मिक्स दे लेते हैं। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। इजी स्नैक है, खाने में बहुत मज़ेदार और लजीज है। 10 to 15 मिनट्स में बन जाता है। ये इजी एंड क्विक रेसिपी है। सर्व कीजिए इसे हॉट। अगर से मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बनाकर देखिए मेरे डिशेस।